हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गदर 2 फिल्म के अब तक के टोटल 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के भी 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। एसआरके की फिल्म जवान और प्रवास की फिल्म सलार के अब तक के टोटल यूएसए एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म का आज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी लो हो चुका है क्योंकि फिल्म की ऑक्यूपेंसी आज काफी कम चल रही है। तो फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में तो ज्यादा कुछ खास कलेक्शन नहीं करने वाली है, लेकिन फिल्म के पहले और दूसरे हफ्ते का कलेक्शन तो आउटस्टैंडिंग रहा था। यहां पर इस फिल्म ने दंगल और केजीएफ 2 के हिंदी कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। अब सबकी उम्मीदें लग रही कि यह फिल्म क्या बाहुबली 2 और पठान के हिंदी कलेक्शन को बीट कर पाती है या नहीं, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि ये फिल्म पठान और बाहुबली 2 के हिंदी कलेक्शन को बीट करेगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म पठान के हिंदी कलेक्शन को बीट करेगी या नहीं? लेकिन इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3500 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म सनी पाजी के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसने इस साल 40 करोड़ 10 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग लेकर इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म ये बन चुकी है। तो दोस्तों, इसने बड़ी बड़ी फिल्मों को तो पीछे छोड़ दिया है। अब देखना होगा इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाता है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में काफी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, जहां पर इस फिल्म का पहले हफ्ते का इंडिया नेट कलेक्शन 284 करोड़ 63 लाख रुपए रहा और इस फिल्म का दूसरे हफ्ते का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 134 करोड़ 47 लाख रुपए रहा और फिल्म ने अपने 15वें दिन पर 7 करोड़ 10 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। वहीं इस फिल्म ने अपने 16वें दिन पर लगभग 13 करोड़ 75 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया है और इस फिल्म का 17वें दिन का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकलकर आ चुका है, जहां पर इस फिल्म का 16वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16 करोड़ 10 लाख रुपए का रहा है। और दोस्तों, यह फिल्म आज अपने 18वें दिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। दोस्तों, इस फिल्म का 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 461 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 544 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये फिल्म ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 15 दिनों में लगभग 57 करोड़ रुपए का कर चुकी है। तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 601 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों, ये फिल्म तो 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार कर चुकी है। अब देखना होगा इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाता है। वैसे आपने सनी पाजी की फिल्म गदर 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? लेकिन अगर बात करें 25 अगस्त को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ड्रीम गर्ल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें आयुष्मान खुराना ने फिर से ड्रीम गर्ल बनके लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा और फिल्म आज अपने 4वें दिन भी बॉक्स ऑफिस से काफी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। फिल्म का 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही अपने बजट से ज्यादा हो चुका था, जहां पर यह फिल्म अब प्रॉफिट में चल रही है। तो दोस्तों, यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाने वाला है? फिल्म में आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे और परेश रावल दिखाई दिए थे, जो एक सीक्वल फिल्म थी जो 2019 में आई ड्रीम गर्ल का सीक्वल थी। ड्रीम गर्ल बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी, जिसने 28 करोड़ रुपए के बजट में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम गर्ल 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने पहले पार्ट से ज्यादा होगा या नहीं? फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने रिलीज होते अपने पहले दिन शानदार ओपनिंग ले ली थी, जहां पर इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ 69 लाख रुपए रहा। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन पर 14 करोड़ 2 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया और फिल्म का कल तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास रहा है और फिल्म आज अपने 4वें दिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है और फिल्म का कल तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास रहा है और फिल्म आज अपने 4वें दिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। तो इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन 45 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। वहीं इस फिल्म का इंडिया
ग्रोस कलेक्शन लगभग 54 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 4 दिनों में 9 करोड़ रुपए का कर चुकी है। तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 63 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म 4 दिनों में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। आपको क्या लगता है आयुष्मान खुराना की इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, और आपने ड्रीम गर्ल 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? लेकिन अगर बात करें डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म सलार के अब तक के टोटल यूएसए एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म 28 सितंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म को रिलीज होने में अभी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग यूएसए बॉक्स ऑफिस पर स्टार्ट कर दी गई थी। फिल्म की एडवांस बुकिंग यूएसए बॉक्स ऑफिस पर आज से 6 दिन पहले यानी कि 22 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों इस फिल्म ने यूएसए एडवांस बुकिंग काफी शानदार कर लिया है। फिल्म की यूएसए बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग जवान से भी बेहतरीन चल रही है। तो दोस्तों प्रभास का स्टारडम इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज में भी काफी ज्यादा है। तो ये फिल्म ओवरसीज में भी काफी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म 2 दिनों में अपने बजट से भी ज्यादा कमाई करने वाली है। और प्रभास की ये फिल्म रिलीज होते अपने पहले दिन कितने बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। फिल्म साउथ में तो कलेक्शन करेगी सही, लेकिन फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी काफी शानदार कलेक्शन करने वाली, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए प्रशांत नील जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हासन, जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई देने वाले हैं। फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सलार का कनेक्शन केजीएफ 2 के साथ होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तबाह करके रख देगी। प्रभास की बाहुबली 2 फिल्म के बाद 3 फिल्में आई साओ, राधेश्याम और आदिपुरुष, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डिजास्टर रही। ऑडियंस को ये फिल्में कुछ भी पसंद नहीं आई, लेकिन सलार के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सलार एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है और जिसमें प्रभास जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और फिल्म की स्टार कास्ट ही इतनी सॉलिड है, और अगर फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर हो तो फिल्म बेहतरीन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के यूएसए एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें, दोस्तों इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 14,619 टिकटें बेच दी है, जहां पर इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 4,18,731 डॉलर हो चुका है, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 3,46,00,000 रुपए के आसपास हो चुका है। तो दोस्तों अभी तो फिल्म को रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, उससे पहले इस फिल्म ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर 3,46,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है। लेकिन जब फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में स्टार्ट होगी तब तो ये फिल्म पूरी तरह से तबाही मचाने वाली। वैसे आपको क्या लगता है, प्रभास की फिल्म सलार का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है और फिल्म लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करने वाली है, और आप प्रभास की फिल्म सलार के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? लेकिन अगर बात करें एसआरके की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जवान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे साउथ के डायरेक्टर अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें एसआरके के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, थालापति विजय और दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस में दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म का काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। जब से शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, अब सबकी उम्मीदें हैं कि जवान बॉक्स ऑफिस पर क्या कारनामा करने वाली है। लेकिन दोस्तों यही वो फिल्म है जो पठान के कलेक्शन को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ देने वाली है, और फिल्म अपने पहले दिन ही कई सारे बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है, और ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन ये फिल्म अपने बजट से भी ज्यादा कमाई तो 3 से 4 दिनों में कर लेगी, और फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान को भी पूरी तरह से टक्कर देने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, जवान फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाने वाला है? क्या ये फिल्म 1500 करोड़ कमाएगी या फिर 2000 करोड़? दोस्तों इस फिल्म के अभी तक 2 गाने और एक प्रीव्यू वीडियो आया है जिसे लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिला है, और इस फिल्म के प्रीव्यू वीडियो पर अब तक 75 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज हो चुके हैं। तो दोस्तों पब्लिक तो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और शाहरुख खान की फिल्मों के लिए पब्लिक हमेशा से काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। जिस तरह से उनकी फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है, तो ये फिल्म उससे भी ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। फिल्म के अभी तक के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर
काफी शानदार एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है, जहां पर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 14,500 से ज्यादा टिकटें बेच दी है। तो इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन 1,82,00,000 रुपए के आसपास हो चुका है। वैसे इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में स्टार्ट होगी तो ये फिल्म एडवांस बुकिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है और बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली है। वैसे आप एसआरके की फिल्म जवान के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो?